इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होंगे। आपको बता दें कि इसमें भारत के 213 का खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। साथ ही भारत को कई खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद है। भारत की सबसे बड़ी उम्मीद नीरज चोपड़ा चोट के कारण बाहर हो गए हैं, लेकिन भारत को कई अन्य खिलाड़ियों से मेडल्स की उम्मीद है। इसके अलावा ओलंपिक्स के मेडल विजेता भी कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो ऐसे में भारत की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। बात करें अगर भारत के पूरे शेड्यूल की साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो भारत के 213 खिलाड़ी इस गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 देशों के 4,500 से भी ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वहीं बात करें अगर गेम्स की, तो 19 खेलों में 283 मेडल्स के इवेंट होंगे। वहीं इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट की भी एंट्री हो गई है। बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत साल 1930 में कनाडा में हुई थी। भारत ने पहली बार 1934 में हिस्सा लिया था और अब क्रिकेट की भी इसमें एंट्री हो गई है। बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक और एशियन गेम्स के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स के राइट्स की बात करें तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास इसके ब्रॉडकास्ट राइट है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी 29 जुलाई को होगी, भारतीय समय अनुसार रात 3 बजे शुरू होगी। भारत के शेड्यूल की बात करें तो भारत के एथलेटिक्स के इवेंट 30 जुलाई से शुरू होंगे। भारत के अविनाश साबले की 2 अगस्त को इवेंट होगी। इसके अलावा बात करें अगर जेवलिन थ्रो की, तो भारत के 5 अगस्त से इवेंट शुरू होंगे, जिसमें भारत को बड़ी उम्मीद रोहित यादव साथ ही भारत की अन्नू रानी और शिल्पा रानी से है। इसके अलावा 6 अगस्त को भारत के दौड़ के इवेंट शुरू होंगे, जिसमें भावना जट और साथ ही प्रियंका गोस्वामी, इसके अलावा हीमा दास दुती चंद से भारत को उम्मीद है। बात करें अगर डिस्कस थ्रो की, नवजीत कौर से भारत को उम्मीद है। इसके अलावा मनप्रीत कौर भारत के लिए मेडल की बड़ी उम्मीद है। बात करें अगर बॉक्सिंग मुक्केबाजी के राउंड की, तो पहले राउंड 30 जुलाई से शुरू होंगे। इसमें भारत के अमित पंगाल, मोहम्मद गुसामुद्दीन, शिपा थापा, रोहित टोकर, सुमित कुंडू, आशीष चौधरी, संजीत कुमार, सागर अहलावत, नीतू निकत, जरीन जैस्मिन, इसके अलावा लवलीना हिस्सा लेंगी। भारत के बैडमिंटन मुकाबलों की बात करें तो 29 जुलाई से इवेंट शुरू होंगे, जिसमें भारत को बड़ी उम्मीद ओलंपिक की 2 बार मेडलिस्ट पीवी सिंधु, इसके अलावा लक्ष्य सेन, श्रीकांत से उम्मीद होगी। बात करें अगर क्रिकेट की, तो भारत के 29 जुलाई से मैच शुरू होंगे। पहला मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया का होगा और बड़ा मुकाबला 31 जुलाई को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। 7 अगस्त को फाइनल और साथ ही ब्रॉन्ज मेडल का मैच होगा। हॉकी की बात करें तो 31 जुलाई से भारत के इवेंट शुरू होंगे। भारत का पहला मुकाबला घाना के साथ होगा। इसके अलावा महिला हॉकी टीम के मुकाबले 29 जुलाई से शुरू होंगे। टेबल टेनिस की बात करें तो 29 जुलाई से पुरुष राउंड के पहले मुकाबले शुरू होंगे, जिसमें भारत को मेडल की उम्मीद है। इसके अलावा 2 अगस्त को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। महिला टेबल टेनिस इवेंट्स की बात करें तो 29 जुलाई को पहला राउंड, दूसरा राउंड होगा। इसके अलावा 1 अगस्त को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। वेटलिफ्टिंग की बात करें तो 30 जुलाई से मुकाबले शुरू होंगे, जिसमें भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू हिस्सा लेंगी। भारत को उनसे मेडल की उम्मीद है। इसके अलावा 2 अगस्त तक ये इवेंट चलेंगे और भारत को कई मेडल्स की वेटलिफ्टिंग में उम्मीद है। कुश्ती की बात करें तो 5 अगस्त से भारत कुश्ती इवेंट शुरू होंगे। बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, इसके अलावा अंशु मलिक, साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ी कुश्ती में हिस्सा लेंगे। 6 अगस्त को भारत के ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया और साथ ही पूजा गहलोत, विनेश फोगाट, पूजा सिहाग के मुकाबले होंगे। बता दें कि भारत को मेडल्स की उम्मीद है। साथ ही भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, इसके अलावा भारत की हॉकी टीम भी कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने जा रही है, तो ऐसे में भारत को उनसे मेडल्स की ज्यादा उम्मीद होगी। बहरहाल, क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।